चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपको इजी ट्रिक के साथ उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लेते हैं जिससे हमें आंसर्स अच्छी तरह पता चल जाए। तो क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन है इन वन वेरिएबल और कौन नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। और इसके लिए आपको अपने रीजंस भी देने हैं कि ये पॉलिनोमियल क्यों है वन वेरिएबल में और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है वन वेरिएबल में। ओके, तो इसके लिए हम अच्छी तरह रीजंस भी बताएंगे। तो चलो आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x² - 3x + 7 आंसर, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। अब हमें बताना है कि क्यों है इन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है ये, दैट इज एक्स। और है क्या है, मतलब पॉलिनोमियल कौन सा वह है, वर्ड कौन सा, एक्स। एक्स यहाँ पे पॉलिनोमियल है बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज़ अ होल नंबर, क्योंकि हर एक एक्सपोनेंट जो है वो एक्स का होल नंबर ही होता है। सेकेंड पार्ट, y² + √2 सॉरी, यहाँ पे पार्ट में दिया है कि y x + √2। सो आंसर है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस स्टेटमेंट में एक ही पॉलिनोमियल है जो कि है y। पॉलिनोमियल x, y, z, a to z2, ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर, क्योंकि हर एक y का एक्सपोनेंट जो है वो भी होल नंबर ही होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3√2t + t√2 आंसर, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट, क्योंकि इनमें से एक एक्सपोनेंट जो है ऑफ t इज 1/2, सो विच इज़ नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं, y + 2/y। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। सो आंसर है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही है जो कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप वो लिख लेंगे। वैसे आपके पास तो बुक्स होगी ना। तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ y इज -1, क्योंकि इसमें से इस स्टेटमेंट में से जो एक एक्सपोनेंट है y, उसका क्या आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। फिफ्थ पार्ट, x² 10 + y² 3 + t² 50। तो आंसर क्या है, हर एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल, जहाँ पे हर एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है ना, होल नंबर है, बट x² 10 + y² 3 + t² 50 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इन एक्स, वाई एंड टी, दैट इज इन थ्री वेरिएबल्स, सो इट इज़ नॉट अ वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, उन्होंने वन वेरिएबल का पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। Do like, share and subscribe. Thank you.